सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नया पाठ चार मन करता है की शुरुआत करेंगे। तो यह हमारी पाठ पुस्तक रिमझिम भाग 3 में पेज नंबर 29 में दिया हुआ है ना। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र दिए गए हैं जो आपको अपनी नोट कॉपी में बनाना है। मैं इस कहानी को अपनी आवाज में आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसका आनंद लीजिए। ये कहानी है एक बच्चे की जिसके मन में विचार आते हैं अलग अलग तरह के। कभी वो कहता है कि मैं पापा बन जाऊं, कभी वो कहता है कि मैं दादा बन जाऊं, वो कभी कहता है मैं तितली बन जाऊं। आपका भी मन करता होगा बच्चों कि आप भी कुछ ना कुछ बन जाए, और कभी कभी आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं या टीचर बन जाऊं। आपके भी मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते होंगे और आप भी कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं बड़े होकर। इसी तरह इस जो है कविता में एक बालक है, अपने मन में अलग अलग तरह के विचार रखता है और कुछ ना कुछ बन के उसका वो देता है कारण कि मैं क्यों बन जाऊं, ताकि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, ताकि मैं कुछ वैसा कर पाऊं। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ बने और बन के कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कहानी को मैं कविता को मैं पढ़ता हूं और आप सुनिए। पहली पंक्ति कहते हैं, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। पहली पंक्ति में बालक कहता है कि मन करता है कि मैं सूरज बनकर सूरज बन जाऊं। सूरज बन जाएगा तो अब क्या करेगा वो, कि मैं आसमान में दौड़ लगाऊं। सूरज बनकर क्या करना चाहता है वो, आसमान में दौड़ लगाऊं। दूसरी जो है तीसरी पंक्ति में वो कहता है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तीसरी पंक्ति में कहता है कि मैं क्या बन जाऊं, उसका मन कर रहा है बालक की मैं एक चंदा बन जाऊं। चंदा बन के क्या करेगा वो, कि सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, ठीक है। तो चंदा बन के वो चाहता है कि मैं सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अकड़ दिखाने का अर्थ होता है रोग दिखाना। जैसे चंद्रमा क्या जो होता है, प्रकाश बहुत फैला हुआ रहता है, और तारों का जो प्रकाश होता है वो कम दिखाई देता है। तो जिससे वो चाहता है कि मैं चंदा बन जाऊंगा तो मैं रोग दिखाऊंगा कि मैं अपना प्रकाश ज्यादा से ज्यादा फैला पाऊंगा। उसके बाद कहता है, मन करता है बाबा बनकर, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। फिर कहता है कि मन कर रहा है कि बाबा बन जाऊं। बाबा यानी दादा, जो हमारे घर में बड़े होते हैं, पिता माँ या दादा, उनको हम क्या बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। तो वह चाहता है कि अगर मैं बाबा बन जाऊंगा तो मैं घर में सब पर धौंस जमाऊंगा। जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपना बात को रखते हैं। तो बच्चे के मन में है कि अगर मैं दादा बन जाऊंगा तो सब पे अपनी धौंस जमाऊंगा, सब लोग मेरी बात मानेंगे। उसके बाद कहता है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। फिर बालक का मन होता है कि मैं बड़े हो क्या बन जाऊं, पापा बन जाऊं और अपनी मूछ बढ़ा लूं। मूछ बढ़ाऊंगा तो मैं किस तरह दिखूंगा, पापा की तरह। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। फिर बालक का मन करता है कि मैं क्या बन जाऊं, तितली। तितली आप सब बच्चों ने देखी होगी, तितली क्या करती है, इधर उधर फूलों पे जाती है और दूर दूर तक उड़ जाती है। उसी तरह बालक के मन में आ रहा है कि वो तितली बन जाए और दूर दूर तक वो उड़ता उड़ता ही जाए, उड़ता ही जाए। फिर उसका मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब उसका मन कर रहा है कि मैं कोयल पक्षी, कोयल पक्षी आपने देखा होगा जो काले कलर का होता है, कौवा के जैसा ही वो दिखता है। तो कह रही, कोयल अगर मैं बन जाऊंगा तो कोयल की जो बोली होती है बहुत मीठी होती है। जब कभी आप सुबह कहीं भ्रमण के लिए जाएं तो आप अगर कोयल में, तो आप उसकी बोली सुन सकते हैं, बहुत ही मधुर मीठी मीठी बोली की तरह वो बोलता है कोयल, ठीक है। फिर उसका मन करता है, बालक का मन करता है चिड़िया बनकर, मन करता है चिड़िया बनकर चीं 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 चू 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 शोर मचाऊं। सब बच्चों ने चिड़िया देखी होगी, चिड़िया क्या करती है, अपनी आवाज निकालती है,
उसकी आवाज आपने सुनी होगी, ची 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 ची, चू 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 चू, इस तरह की आवाज निकाल के वो इधर उधर घूमती हुई रहती है। तो बालक भी यही चाहता है कि कभी वो चिड़िया बन जाए, कभी वो कोयल बन जाए, कभी वो पापा बन जाए, इस तरह के उसके मन में आ रहा है। फिर आखिरी पंक्तियां वो कहता है कि मन करता है चरखी लेकर, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। यहाँ पे एक शब्द आया है चरखी। चरखी क्या होती है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसके जो धागा, एक गोल तरह का एक चीज होती है जिसमें हम धागा को लपेटते हैं और उसी धागे के माध्यम से हम पतंग को उड़ा पाते हैं। वो कहता है अगर मैं चरखी बन जाऊंगा तो पीली और लाल कलर की जो पतंग है मैं उड़ा पाऊंगा। तो चरखी बन गया, पतंग भी उड़ाना चाहता है और बहुत सारी चीजें वो करना चाहता है। ये कहानी, ये कविता लिखी हुई है सुरेंद्र विक्रम जी ने, जो एक सुप्रसिद्ध कविताकार हैं। और इस कहानी, इस कविता को आपको सुनकर कैसा लगा आप मुझे बताना, ठीक है? धन्यवाद।